Hey guys, this is Smith for Samtic After Effect and welcome back to my channel. Friends, आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, कभी कभी मुझे कॉल भी मिला लेते हैं कि सर हम 12th कर चुके हैं या हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या इसके बाद हम एनिमेशन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देना या अलग अलग समझाना, उससे बेटर है कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ जो कि नए स्टूडेंट्स की भी काफी हेल्प करेगा. तो जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ. फ्रेंड, लेकिन मैं कुछ भी बताने से पहले आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि अपने अपने थॉट्स इस पे रख सकते हैं. तो मैं सिर्फ आपको अपना थॉट बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कराया है एनिमेशन के कोर्स करने के बाद से लेकर नौकरी करने तक के सिलसिले में. तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एनिमेशन के कोर्स में कोई आगे जाके फायदा नहीं है या कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को भी ये हौसला देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना सोचें. समय काफी बदल चुका है फ्रेंड्स. इनफैक्ट जब हम 2010 और 2012 के समय में थे, जबकि हमारा दुनिया, हमारा भारत इतना डिजिटल नहीं हुआ था, तब भी एनिमेशन के कोर्सेज हो रहे थे और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और अच्छी खासी जॉब भी पा रहे थे. तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि आज के टाइम पे समय कितना बदल गया है. पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हर काम ऑनलाइन हो रहा है और हम अच्छे अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन वीडियोज देख रहे हैं. तो फ्रेंड, आप सोचो कि अभी इसका क्रेज कितना है. तो मेरा तो ये मानना है कि वो समय दूर नहीं है कि जिस तरह से लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों का नाम सुना करते थे, उस वैसे ही अब एक एनिमेटर्स, ये सब चीजें भी उसमें एड ऑन हो रही है. तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इसका करियर बहुत ही अच्छा है. दूसरा फ्रेंड, कि जो लोग मुझसे ये पूछते हैं, एक बहुत ही मतलब कॉमन सा सवाल है कि सर मैं डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं, तो मैं उसका भी जवाब आपको दे देता हूं. फ्रेंड्स देखिए, वैसे आप अपनी पढ़ाई को अगर मान के चलेंगे तो मेरा यही मानना है कि किसी भी बच्चे को जो भी अपनी टीनेजर में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आगे बढ़ता है, उसको एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करना चाहिए. तो फ्रेंड देखिए, वैसे तो हमारे सारे मैक के कोर्सेज या फिर एरिना या जो भी हमारे अच्छे अच्छे एनिमेशन के कोर्स कराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमें 12th के बाद भी हमें एडमिशन लेने के लिए रेडी रहते हैं. लेकिन फ्रेंड, आप वहां पर डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप डिग्री भी कर सकते हैं. तो मेरा ये सजेशन होगा फ्रेंड कि जो बच्चे 12th के बाद इस कोर्स के लिए जा रहे हैं, वो डेफिनेटली डिग्री करें. क्योंकि फ्रेंड देखिए, उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर एनिमेशन की कोर्स तो कंप्लीट होगी होगी, साथ में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है. और गाइस, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, शायद वो कोई भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या फिर कोई कोई इंजीनियरिंग भी कर रहे होते हैं, बीटेक भी कर रहे होते हैं, और किसी कारण अगर उनका माइंडसेट चेंज होता है और उनको एनिमेशन कोर्स करने के लिए उनका दिल करता है, तो फ्रेंड डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना डिप्लोमा ही करें. फ्रेंड, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद एनिमेशन करी थी. तो मैं बीसीए का स्टूडेंट था, मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी थी. उसके बाद मुझे एनिमेशन का क्रेज हुआ कि मुझे ये करना है. इनफैक्ट पहले से था, मेरी काफी लंबी स्टोरी है जो कि मैंने पिछली वीडियोज में शेयर करा है. तो फिर मैंने डिप्लोमा करा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डिग्री थी. तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि 12 के बाद डिप्लोमा कर लें, तो फ्रेंड आगे जाके जब आप जॉब करोगे तो जैसे जैसे आपकी कंपनी लेवल चेंज होगी, वहां पर थोड़ा सा आपको इस सब चीजों का असर पड़ेगा. कहने का मतलब फ्रेंड कि बहुत सारी एडमिशन कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट तो डिमांड करती हैं. फ्रेंड, आप इतना खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारत में पढ़ाई का एक ऐसा क्रेज है कि एटलीस्ट ग्रेजुएट बंदा को ही मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा माना जाता है, ऐसी धारणा बनाकर लोगों ने रखी है. बट नॉलेज इज अनदर थिंग एंड डिग्री इज अनदर थिंग. बट फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है. तो फ्रेंड, जो बच्चे 12th करके एडमिशन करना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली बिना कुछ सोचे डिग्री चूज करें, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं फ्रेंड, वो ऑब्वियसली डिप्लोमा करें. और फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का सवाल ये भी रहता है कि सर अगर हम एनिमेशन कोर्स करें तो हम कहाँ से करें. देखिए फ्रेंड, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि ये एक सच में इम्पॉर्टेंट सवाल है. ये जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये आपका फैसला लेना भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये कोर्स कहाँ से करें. तो देखिए फ्रेंड, मेरे लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बोल नहीं सकता. लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा सकता हूँ कि फ्रेंड, ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी मेहनत पे.
कहने का मतलब ये फ्रेंड कि देखिए अगर आप रेटिंग्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं या फिर आपको भी पता होगा कि मैक और एरिना एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे इंडिया में लगभग हर स्टेट में हैं और इनकी काफी अच्छी रेटिंग्स हैं और इनके काफी अच्छे टीचर्स भी हैं। इनफैक्ट मैंने खुद भी अपनी पढ़ाई मैक से ही करी थी फ्रेंड। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि आपका वेदा हो गया या फिर आग हो गया या डूकैट भी है। तो फ्रेंड ये सारे इंस्टीट्यूट भी एडमिशन की कोर्सेज कराती हैं जिनकी की फीस काफी कम है। तो फ्रेंड इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इंस्टीट्यूट खराब हैं, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि देखिए हर चीज के लिए ना बजट होती है। अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है या आप बियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट से करें क्योंकि वहां पर आपको फैसिलिटीज भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा और आपको कल्चर और एनवायरमेंट भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन फ्रेंड अब जो बच्चा कैपेबल नहीं है, जो जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर मैं उनको कैसे सजेस्ट कर दूं कि आप मैक से पढ़ाई करो या एरिना से पढ़ाई करो। तो फिर वहां पर फ्रेंड आपको क्या करना है कि जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर की फीस थोड़ी कम है आप वहां से करें, लेकिन एक्स्ट्रा इफर्ट आप वहां पर लगाएं। जैसे कि आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई करें, आप अपनी पढ़ाई उस इंस्टीट्यूट से ही करें, आप साथ साथ यूट्यूब से भी नई नई चीजें सीखते रहें क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर कि आपको एनिमेशन के हर एक कोर्स के बारे में वीडियोस डली हुई है। तो फ्रेंड यहां पर उन बच्चों के लिए यही मेरा जवाब था जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हम कहां पर एडमिशन लें। तो फ्रेंड्स ये टोटली आप पर डिपेंड है। आपके पास अगर बजट अच्छा है तो आप डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा लें और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करें, और अगर बजट कम है तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा बच्चों को कि सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब के भरोसे ना रहें, एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट में आपका पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको एक लाइव कल्चर मिलता है, एक लाइव एनवायरमेंट मिलता है, आपके सर्किल बनती है और आप अच्छे से प्रिपेयर होते हैं एक जॉब के लिए क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से हमें एनिमेशन फील्ड में ग्रो करना है। तो मेरा यही ख्याल है फ्रेंड। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप चाहें तो इस बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी खामियां भी बताई थी कि फ्रेंड आगे जाके आपको जॉब करने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं बड़े लेवल पे। छोटी मोटी जॉब्स, फ्रीलांस जॉब्स, ये सब आपको सिर्फ नॉर्मल स्किल पे भी मिल जाता है। अब देखिए फ्रेंड इस वीडियो को बिल्कुल मैं लास्ट करने वाला हूं, लेकिन मैं लास्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि एक हौसला अपने माइंड में ये बना के चलिए फ्रेंड कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस एनिमेशन कोर्स के रास्ते बहुत खुल चुके हैं, आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन फ्रेंड कि अगर आप कभी लाइफ में जॉब ना भी करना चाहें तो आप फ्रीलांस करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड जो कि मैं आपको इस वीडियो में अभी नहीं बता रहा, वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पेरेंट्स का काफी सवाल रहता है कि क्या मैं अपने बच्चे को ये कोर्स कराऊं या ना कराऊं, तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपके अपने बच्चों में ये चीज लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी है, वो आर्टिस्ट टाइप की उनमें क्वालिटीज हैं, वो बचपन से ही पेंटिंग अच्छा करते हैं, ड्राइंग अच्छा करते हैं, उनको कलर्स में इन सब चीजों में मन लगता है, तो डेफिनेटली आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो फ्रेंड मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। होप सो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई और भी सवाल अगर रहता है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पर जवाब दे दूं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।